यो गाइस, इनका आप सबको स्वागत है और एक बार एक माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो माइनक्राफ्ट का भाई नया वर्जन का अपडेट आया है 1.20.1 का भाई। इसमें मैं एक नया वर्ल्ड बनाता हूँ और भाई थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आज का वीडियो देखते हैं मेरे को क्या एक और नया सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करना चाहिए। आप लोग कमेंट बताइए सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, और देखते हैं भाई कैसा रहता है ये वाला माइनक्राफ्ट। इसमें नया जो सबसे ज्यादा मस्त लगा भाई अभी तक तो मेरे को भाई बैकग्राउंड जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे को बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा भाई। और मेरे को थोड़ा सेटिंग में देखना है क्या है, रिस्पॉन टाइम सिमुलेशन संक्स फोर चंक रहने देते हैं, सब कुछ ओके जैसा कहा है भाई वैसे रहने देते हैं, कुछ चेंज नहीं करते हैं और सर्वाइवल में रख के नॉर्मल में रख के हम लोग क्रिएट कर देते हैं। और देखते हैं भाई ये वाला वर्ल्ड कितना ज्यादा जगह है भाई। ये देख सकते हो भाई ये नया अपडेट आया हुआ है जो बैकग्राउंड में दिया गया है, और भाई नया एक हथौड़ा थोर का हथौड़ा भी दिया गया। आई मीन थोर का हथौड़ा नहीं लेकिन थोर का हथौड़ा ही बोलेंगे हम लोग उसको। क्या हम लोग भाई थोर का हथौड़ा ले सकते हैं? देखते भाई आज का वीडियो स्टार्टिंग। वाह, और भाई देख रहे हो मेरे को कहाँ पर स्पॉन दिया भाई, कुछ अच्छा जगह स्पॉन दे देते यार। स्पॉन भी दे रहे हो तो कहाँ भाई, ये देखो स्पॉन मिलता है हमको भाई पानी के अंदर। वाओ, और बैकग्राउंड भाई बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ चल गया? मैं भाई नॉर्मल माइनक्राफ्ट खेलने आया था और मेरे को मिल गया भाई सर्वाइवल आइलैंड जैसा माइनक्राफ्ट। मारक्राफ्ट क्या होता है भाई, माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइलैंड का माइनक्राफ्ट भाई देख रहे हो। थोड़ा सा ऊपर चलो भाई, थोड़ा सा तो अमेजिंग है ही वो, ब्यूटीफुल भाई। बहुत दिनों बाद में माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। इसका नया शेडर्स भी शायद आया हुआ है, मेरे को शेडर्स भी डाउनलोड करके देखना है भाई। आप लोग बताओ मैं क्या ट्राई क्या क्या ट्राई करूँ। और हम लोग माइनक्राफ्ट के जावा वर्जन को भी हम लोग डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं क्या? मेरे को ये वाला एक सर्वाइवल आइलैंड टाइप का बनाना चाहिए या मेरे को नॉर्मल माइनक्राफ्ट ही प्ले करना चाहिए भाई? चलते देखते भाई। सबसे पहले तो रात होने से पहले भाई मैं अपना सामान बना लूँ और उसके बाद मैं सोचूंगा मेरे को क्या करना चाहिए। और बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों नहीं बज रहा भाई, जो सूदिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था वो क्यों नहीं बज रहा? अभी फारलैंड्स में आ गया क्या? इतना ज़्यादा भाई अलग ही टाइप का लग रहा भाई, इतना बड़ा बड़ा पहाड़। अरे भाई चल ले स्पीड से थोड़ा, और ये लो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हो गया। मेरे को लगता है आप लोगों को सुनाई देगा लेकिन मेरे को अभी सुनाई दे रहा है भाई क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा कम है। ये देखो भाई लैग, मेरे को समझ में नहीं आया लैग क्यों हुआ, लेकिन भाई ये माइनक्राफ्ट जावा जैसे क्या न्यू रेसिपी अनलॉक भाई दिखाया मेरे को वहाँ पर। और भाई मेरे को सीप का आवाज़ सुनाई दिया, चलो भाई सीप भी मेरे को मिल गया है। पहले थोड़ा सा लकड़ी तोड़ ही लेते हैं, इतना काफ़ी। अरे यार ऐसे नहीं बनाना रहता है, ऐसे बनाना रहता है। और लो ये आ गया खुद ही सामने, इसको एक बनाओ और इसको चारों बना लो भाई। और ये देखो भाई न्यू रेसिपी अनलॉक होए जा रहा भाई यहाँ पर। रुको इसको लगाते हैं यहाँ पर और कुछ बनाते हैं, कुछ बना सकते हैं। हाँ इसको बना लो भाई, कहाँ गया? आजा 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 आजा, तेरे को मारते हैं सबसे पहले। अरे भाई इधर चल जा, आजा आजा जा। ये लो मिल गया मेरे को, वूल भी मिल गया। और ये जो न्यू रेसिपी लिख के आ रहा है भाई ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है भाई। पता नहीं भाई ये इतना लेट क्यों किया है वाला अपडेट देने में। और हाँ अब मेरे को समझ में आ गया लेट क्यों किया भाई, इतना ज़्यादा लैग क्यों महसूस हो रहा मेरे को। आई मीन ये अच्छा नहीं हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा लैग महसूस हो रहा मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ। जो ये भाई जनसिन इम्पैक्ट 60 FPS में स्मूथली रन करता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी हाई ग्राफिक्स के साथ। और माइनक्राफ्ट लैग कर रहा भाई, पता नहीं भाई माइनक्राफ्ट वाले क्या कर रहे हैं, इतना मस्त गेम को बकवास बना दिया है। मैंने सुना है भाई सभी यही बोल रहे थे भाई। पहले मैं माइनक्राफ्ट खेलता था भाई, मेरा 3GB 4GB मोबाइल था और उसमें भाई माइनक्राफ्ट एकदम स्मूथ चलता था, थोड़ा भी लैग नहीं। अब भाई 8GB RAM और प्लस 8GB प्लस 8GB RAM में भाई लैग कर रहा है गेम। ये इसको बनाओ, और लकड़ी लकड़ी ही नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा लकड़ी इकट्ठा करते हो। और सबसे पहले स्टिक अनलॉक करो और उसके बाद मेरे को सबसे पहले इसको बनाना है, और इसको भी बना ही लेते हैं। चलो ओके इसको तोड़ लेते हैं भाई। रात में स्लीप करने से पहले आई मीन स्लीप करने के लिए ये बना लेता हूँ। और यहाँ पे जोम्बी भी स्पॉन होने हो गया भाई, रात नहीं हुआ यार। आजा जा आजा, आर्मर ड्रॉप कर देगा भाई तू भाई, आग लगा दिया उसने तो भाई। रुको रुको कोई तो है भाई, ओ इसके चक्कर में मेरे को आग लगा, लेकिन उसने भाई आर्मर ड्रॉप किया। हाँ आर्मर ड्रॉप किया हुआ भाई, चलो मर गया शायद से। आर्मर को पहन लेते हैं, पहला आर्मर ऐसे ही मिल गया। चलो ओके, यहाँ पे सीप भी मिल जा रहा है मेरे को, सीप को मारो भाई, सीप दे दे भाई वूल। चलो वूल मिल गया दो, और एक वूल चाहिए बेड बनाने के लिए ताकि मैं रात में सर्वाइव कर सकूँ। और मेरे को एक विलेज खोजना ताकि मैं वहीं से अपना स्टार्टिंग का सामान भाई मेरे को विलेज से लेना है। इस बार मेरे को सब चीज़ कलेक्ट नहीं करना है खुद से, विलेज एक मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एडिट करने टाइम आप बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देना पड़ेगा मेरे को क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई माइनक्राफ्ट वालों ने दे दिया। और ये देखो भाई ये है अजेलिया ट्री, शायद से ये नया ट्री भी ऐड हुआ है। ये लो बेड का तो इंतजाम हो गया गाइस, बेड का इंतजाम हो गया तो बेड बना ही लेते हैं। जब बेड का इंतजाम हो चुका तो बेड बनाते हैं और खाना भी खा ही लेते हैं।
यहाँ पे मेरे को पिग मिल गया है, एक पिग को मारते हैं और इससे मेरे को पोर्क चॉप मिल जाएगा शायद से। इसी से पोर्क चॉप मिलता है ना, आई डोंट नो यार, मैं तो भूल भी चुका हूँ किससे क्या मिलता है। चलो अब मेरे को ना पकाने के लिए सामान चाहिए। ये लो बेड रेडी है और इसको तोड़ो। यहाँ पे तो वूल ही वूल है, और यहाँ पे खाना भी मिल जाएगा वूल ही क्या। अरे भाई ऊपर चढ़ जा भाई, सबको नहीं पता भाई क्यों भाई ये जो नया वाला कंट्रोल से सबको घटिया लग रहा था, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को नया वाला कंट्रोल उतना भी बुरा नहीं लगा, मेरे को ठीक ही लगा है। ऊपर से इसमें कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर मैं टच में जाऊँ और कस्टमाइज कंट्रोल करूँ तो मैं इसका ओपेसिटी भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो भाई मैं इसका ओपेसिटी को पूरा माइनस कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। अब देखो भाई क्या दिखने में मस्त हो गया ना भाई, ये देखो अब मस्त हो गया ना, पूरा मैंने माइनस ही कर दिया ओपेसिटी को। अब भाई वीडियो जो देख रहा है इसको एडिट करने, मतलब एडिट करने में तो आसानी होगा ही, साथ में आप लोगों को वीडियो देखने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अब ज्यादा एरिया घेर नहीं रहा है। लेकिन यही चीज है भाई, बहुत ही ज्यादा लैग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई भाई, लेकिन इतना ज्यादा लैग भाई मेरे को मजा नहीं आ रहा है। मतलब आई मीन माइनक्राफ्ट खेलने में मजा नहीं आ रहा, अभी तो भाई स्टार्टिंग और इतना ज्यादा लैग हो रहा है। अभी तो मैंने कुछ चीज बिल्ड भी नहीं किया है, कुछ सामान में बिल्ड करूंगा उसके बाद कितना लैग होगा मेरे को सोच के ही डर लग रहा है। बनाते हैं भाई फर्नेस के लिए सामान, देखते भाई पहला नाइट तो सर्वाइव करना ही है कम से कम। मैंने थोड़ा सेटिंग चेंज किया भाई, जो ये रेंडर चंक्स था उसको मैंने थोड़ा सा माइनस किया, अब भाई लैग नहीं होना चाहिए। अब अगर लैग होता ना भाई मेरा तो मत्था खराब हो जाने वाला, सच्ची बता रहा हूँ। फर्नेस बन सकता तो बनाओ यार, और इसको भी बनाना था, इसको बाहर फेंको, इसको लो वापस। वो भाई ये वाला म्यूजिक बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा भाई मेरे को, मैं सर सारा ही म्यूजिक बोल रहा भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसे तो अभी तक जितना भी म्यूजिक बजाया मैं सबको ही बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा। चलो जब तक होता है तब तक मैं और लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ, ऐसे में लकड़ियों से चारकोल बना सकता हूँ, और उससे अच्छा कि मैं जाके कोल ही खोज लूँ, कोल फाइंड करना उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आप लोग लाइक कर दिए होगा अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो को तो। चलो अभी तक तो बन गया होगा, खाना खा दे थोड़ा सा। चलो खाना तो बन गया मेरा, खाना खाओ भाई, पहला भोजन माइनक्राफ्ट का पहला निवाला, और आ गया भाई और एक निवाला। आजा 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 भाई आजा आजा, निवाला बन के खुद ही आ गया भाई ये, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, ये खुद ही आया है। लेकिन ना भाई ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, माइनक्राफ्ट को जो बग्स फिक्स करना चाहिए भाई, बिल्कुल ही बोल रहा हूँ, माइनक्राफ्ट को बग्स फिक्स करना चाहिए, इसीलिए शायद से भाई लोगों ने माइनक्राफ्ट को खेलना छोड़ दिया है भाई। ओ क्योंकि भाई लैग हो रहा भाई, और सोच लो भाई आगे 2GB 3GB रैम फोन में भी माइनक्राफ्ट एकदम मक्खन से चलता था, अब देखो भाई 8GB के प्लस के ऊपर का फोन है लेकिन भाई माइनक्राफ्ट लैग कर रहा है, क्यों ही मजा आएगा भाई खेलने में। सच्ची बताओ अभी माइनक्राफ्ट को ऐसा बनाना चाहिए कि भाई हम लोगों को एकदम 4K ग्राफिक्स वाला शेडर वाला आना चाहिए, और क्या आ रहा भाई ये घटिया सा लैग, वो भी इतना घटिया ग्राफिक्स में, इतना बढ़ाया भी नहीं है ग्राफिक्स को, फिर भी मानना पड़ेगा माइनक्राफ्ट को, क्या ही कर रहे हो भाई तुम लोग, अपग्रेड करने की जगह में तुम लोग तो डिग्रेड कर रहे हो, अपग्रेड के नाम पे कुछ अच्छा अपग्रेड तो आता नहीं, इससे अच्छा तो भाई मोडर्स सब काम करते हैं। सच बताओ माइनक्राफ्ट टीम से अच्छे तो भाई मोडर्स काम करते हो, लेकिन सनसेट तो प्यारा है। चलो मोडर्स कम से कम भाई देख रहे हो आरएल क्राफ्ट बना दिया, और कितना मस्त मस्त भाई मोड लाया गया है जिसमें भाई थोड़ा सा नया लगता है, ये तो भाई माइनक्राफ्ट ओल्डी वर्जन चल रहा है, कुछ नया भी नहीं आया अभी तक। चलो रात होने लग गया भाई, सनसेट देखते हैं और सोते हैं भाई, और मेरे को कहाँ पे स्पॉन किया भी नहीं पता, ये भी माइनक्राफ्ट की गलती है, मेरे को क्यों स्पॉन किया दूसरी जगह, सोते हैं भाई। चलो सुबह हो गई और चलते हैं दोबारा से भाई, एक बार बेड बन जाए ना भाई माइनक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है, सच्ची बताऊँ तो बिना बेड के भाई लगता है भाई माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, लेकिन बेड का तो भाई बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। फट जा भाई तू, कुछ सामान तो मिलेगा नहीं चाहिए तेरा सामान, मैं खुद इकट्ठा करता अपना सामान। तो ये वाला वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूं, ये थोड़ा सा मेरे को माइनक्राफ्ट का अपडेटेड वर्जन देखना था, इसीलिए क्या मेरे को इसी अपडेटेड वर्जन में एक और माइनक्राफ्ट का सीरीज चालू करना चाहिए, या माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक खेलना चाहिए, माइनक्राफ्ट का नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज ही चालू करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलते गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।